Welcome you all in Bishop Academy online classes. Today in this video we will study about biotechnology and its applications, and today's topic is transgenic animals. What is the meaning of transgenic animal? The animals whose genes are transformed are called transgenic animal, and this is the part 3. यहाँ पर माउस का जो डायग्राम जो दिखाया गया है, दीज आर द ट्रांसजेनिक जीन को मॉडिफाइड कर दिया गया है और मॉडिफाइड करके अलग अलग के अरेंज के रूप में डेवलप किया गया है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? उस डीएनए इज मैनिपुलेटेड प्रोसेस एंड एक्सप्रेस है एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। जैसे ट्रांसजेनिक कैट्स होते हैं, रैट्स होते हैं, रैबिट्स होते हैं, पिग्स, शीप एंड काउ हैव बीन प्रोड्यूस्ड। अब इनके लिए क्या पर्पल टाइप का डीएनए होता है जिसको माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू प्लस वायरल वेक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, और इंजेक्ट करने के बाद से फर्टिलाइज ओसाइट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। फर्टिलाइज ओसाइट्स के फॉर्मेशन से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। फॉलोइंग आर द कॉमन रीजन फॉर डेवलपिंग ट्रांसजेनिक, क्या रीजन है जिससे जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं फॉर द स्टडी इन नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए। यूजफुल टू स्टडी द जीन रेगुलेशन देयर इफेक्ट्स ऑन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर्स लाइक इंसुलिन। इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए इंसुलिन इज यूज फॉर द डायबिटीज मिलिटस, उसके लिए यूज किया जाता है, या ग्रोथ फैक्टर्स के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर है कि जिससे डीएनए की जो इंसुलिन की जो चेन होती है वो चेन बी है, चेन ए है और चेन सी। तो चेन सी जो इसके साथ कनेक्ट नहीं होती है उसको कट करके नया इंसुलिन का जीन बनाया जाता है जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए यूजफुल होता है। और क्या है स्टडी ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। यूजफुल स्टडी ऑफ द जीन रेगुलेशन देयर इफेक्ट ऑन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। जैसे एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर्स लाइक इंसुलिन, लाइक इंसुलिन एंड लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसके लिए जीन मैनिपुलेशन किया जाता है। जैसे ह्यूमन इंसुलिन का जो फॉर्मेशन किया गया है वो इसी के थ्रू आया है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स अप्लीकेशन। अभी इसमें क्या है, इंसुलिन की जो ये चेन है ये डिफरेंट टाइप्स के ये अमीनो एसिड की बाइंडिंग है, और यह चेन बी और चेन ए है। चेन सी से इसको सेपरेट कर दिया जाता है और नया इंसुलिन फॉर्म किया जाता है। और क्या है, क्या यूज है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में ट्रांसजेनिक एनिमल्स का? क्या स्टडी फॉर डिजीज, अगर कोई डिजीज है जो इनक्योर फॉर्म में है वो डिजीज की स्टडी करने के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे लाइक कैंसर, उसका डिटेक्ट करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है। स्टडी ऑफ जीन व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज इन ह्यूमन एंड देयर ट्रीटमेंट, और उसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। जो इनक्यूरेबल डिसऑर्डर है लाइक रिमेटाइड आर्थराइटिस यहाँ पर है, और एक कैंसरस सेल्स का है। ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज लाइक कैंसर एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस या रिमेटाइड आर्थराइटिस। ये रूमेटाइड आर्थराइटिस का डायग्राम है, या अल्जाइमर डिजीज, इसमें स्टूडेंट्स को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, उसमें उसकी स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और उससे अवेलेबल जिससे बन सकता है कोई उसका अगर क्योर करने के लिए मेडिसिन का फॉर्मेशन हो सकता है उसके लिए हम इसकी स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए डिपेंड है, जैसे अल्फा लैक्टोग्लोबिन बनाने के लिए अल्फा लैक्टो एल्बुमिन फार्म करने के लिए भी यह ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज। यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग इनटू द ट्रांसजेनिक एनिमल्स द पोर्शन ऑफ डीएनए व्हिच कोड फॉर ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा एंटी ट्रिप्सिन इज यूज टू ट्रीट द एम्फाइजमा डिजीज। एम्फाइजमा डिजीज में इसका यूज किया जाता है, उसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है, उसके बॉडी में इसको डेवलप किया जाता है। जैसे कि इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस द ह्यूमन प्रोटीन, जिसमें ह्यूमन प्रोटीन को प्रोड्यूस किया गया था, उसके मिल्क में लगभग 2.4 ग्राम पर लीटर मिल्क प्रोटीन था। अगर मिल्क कंटेंट ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन एंड वाज मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस फॉर द ह्यूमन बेबीज दैन द न्यूट्रिशनल काउ मिल्क। तो इस तरह से जो ट्रांसजेनिक काउ का फॉर्मेशन किया गया और उसमें इंग्लिश मिल्क में या प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा था, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू ही यह चीज़ें पॉसिबल हो पाई थी। और यहाँ पर दिया भी एक डेवलपमेंट पथ फॉर ए वैल्यूएबल डेयरी प्रोटीन इन इंग्रीडियंट, दिया कि न्यूट्रिशनल बैलेंस फॉर ह्यूमन बेबीज देन द न्यूट्रिशनल काउ मिल्क।
ठीक है। वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी माइस आर डेवलप टू टेस्ट सेफ्टी फॉर वैक्सीन, किसी वैक्सीन का यह देखना है कि वो कितना सेफ्टी है ह्यूमन के लिए, उसके लिए भी ट्रांसजेनिक माउस के ऊपर माउस बना करके और उसके ऊपर उसका यूज किया गया। या बताया कि मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज इन ए कंट्रोल इन्वायरमेंट टेस्ट पास फॉर न्यू ड्रग ट्रीटमेंट गेट द फास्टर रिजल्ट रिप्लिकेट द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज एंड टारगेट द स्पेसिफिक जीन स्टडी। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग करना है, कोई केमिकल बना रहे हैं उसकी क्या उसका रिजल्ट आ सकता है फ्यूचर में, उसके लिए ट्रांसजेनिक माउस का फार्मेशन किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फार्मेशन किया जाता है कि वो उसके लिए कितना सेंसिटिव है, टॉक्सिक है कि यूजफुल सब्सटेंस है, उनका उनको हम नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करके देखते हैं। ऑन एक्सपोजिंग टू द टॉक्सिक सब्सटेंस देयर इफेक्ट ऑन स्किन द लेस टाइम, मतलब इनके ऊपर हम यूज करके और उसके इफेक्ट को बहुत कम समय में हम इसको देख सकते हैं। Okay, thanks. If you have any doubt, you can contact me on Google Classroom. Thanks.